लेकिन मान के चलिए आप कि अगर इस आदि नाम को आपने पहचान लिया और इसका निरंतर जाप करते 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 आप अगर इसका सही अर्थ समझ जाते हैं, तो मान के चलिए इस भव सागर से आप पार हो जाएंगे और आपको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा आप पूर्ण रूप से, यानी आप आज़ाद हो जाएंगे, यानी जहाँ पर थे वहाँ वापस जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, जो सभी भगवान के नाम से भी बड़ा बताया गया है, सभी भगवान जितने भी आप पूछते हैं, क्योंकि ये सब भगवान उस एक आदि नाम पर आधारित है, उसी नाम को निरंतर जपते रहते, उसी नाम को निरंतर जपते रहते। जैसे कि शिव भगवान है, समाधि में उनका ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान समाधि में उनका ध्यान करते हैं, परम ब्रह्मा भी उनका ध्यान करते हैं। देखिए मीरा ने भी, भक्त मीरा ने भी कृष्ण नाम लेते हुए उनका सहज ध्यान करते हुए उनके दर्शन प्राप्त किए और उस रूप में वे परम मोक्ष को प्राप्त होगी, उस रूप में पाकर वे परम मोक्ष में प्राप्त होगी, यानी श्री कृष्ण के रूप में। इसी प्रकार आपको उस आदि नाम को समझना पड़ेगा। देखिए आप अगर देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, निरंतर अलग अलग नित्य प्रति, कभी शिव भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, इन पर ध्यान करते रहते हैं, इनका मनन करते रहते हैं, तो मान के चलिए आपको एक राह पकड़ लेनी चाहिए। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ चुनते हैं, यानी देखिए यह आदि नाम इसलिए कहा गया जो इस ब्रह्मांड से भी पहले का ये नाम है, यानी ये ब्रह्मा, ये बना नहीं था विश्व, यानी आदि नाम है ये, आदि अनादि नाम, यानी ये अनंत काल से चला आ रहा, अनंत काल से। अगर आप इसे जपने लगते हैं तो आपके साथ वे प्रकृति आपको सब कुछ ला के देगी जो आपके पास कमी है, जो आपको चाहिए वह चीज़, हर चीज़ मिलेगी। जो संत महात्मा हैं वर्तमान समय में भी यही कहते हैं, मान के चलिए कि अगर आप नाम जपते हैं तो आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, आपकी हर सफलताएं आपको मिलेगी, हर प्रकार की चीज़ मिलेगी। लेकिन इसका ध्यान करने से नित्य निरंतर, वो कहते हैं साधु संत महात्मा कि केवल बिरला ही होता है जो लाखों में से एक होता है, केवल लाखों में से एक होता है जो इसको निरंतर जप पाता है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं, लाखों में से एक आदमी, एक पुरुष ऐसा होता है जो निरंतर जाप करता है और वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो ये देखिए जो रेशियो है वो कितना कम है आज के समय में, कितना कम है। लेकिन आप भी चाहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो, तो आप नित्य प्रति इस महामंत्र का ध्यान करते रहे, निरंतर करते रहे, ब्रह्म मुहूर्त में करते रहे, सुबह उठकर करते रहे, मगर निरंतर करते रहे, तभी आपको वे परम पिता परमेश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन प्रकट हो जाएगा, आपका आत्मबोध हो जाएगा कि आपका स्वयं का इस संसार में क्या एक तरह से रोल है, आपको क्या भूमिका निभानी है और किस तरह से क्या करना है, यानी आपका मोह खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात अगर वह दिव्य शक्ति आपको दिख जाती है तो मान के चलिए आपकी लालसा खत्म हो जाएगी, उसके पश्चात आपको कुछ और मांगना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखिए वे महामंत्र है क्या, देखिए महामंत्र जो सभी भगवान के नाम से भी बड़ा बताया गया, वे महामंत्र है जो आपकी, आपको भगवान ने एक तरह से गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब मनुष्य सोचेगा कि गॉड गिफ्ट मेरे अंदर ऐसा क्या है। देखिए आपके अंदर परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है एक तरह से, मगर आपको उसकी अनुभूति बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या ऊर्जा है, क्या चीज़ है आपके अंदर, आपको उसके बारे में बिल्कुल ऐसा खबर भी नहीं है, क्योंकि आप इस माया में पड़े हुए हैं जो श्री हरि द्वारा रचित है। ये माया ये बहुत विशाल है, बहुत ही विकराल रूप है इसका, इसमें मनुष्य इस तरह भरमाया हुआ है कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस ये माया कहने में दो अक्षर का नाम है, मगर बहुत विकराल रूप है इसका, मनुष्य का जो मन है ना इसमें भरमाया हुआ है, हर समय इसके बारे में सोचता रहता है कि इसके अंदर क्या है, इसके ये कभी ये पाने की इच्छा, कभी ये पाने की इच्छा, कभी माता के बारे में सोचना, पिता के बारे में सोचना, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना, कभी कार के बारे में, तो ये मन भरमाया हुआ है, कभी निकलता ही नहीं है इस माया में। सोचिए आप कितनी विशाल माया है, यानी इस विशाल माया से आप निकल ही नहीं पाएंगे। मगर
आप एक चीज का सहारा ले सकते हो, वह महामंत्र है। आप नित्य निरंतर इसका नाम स्मरण करते रहे। जो आपके अंदर समाया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, कौन सा है? वे आपकी श्वास से है। इस श्वासों का आप ध्यान करने लग जाए, श्वासों का आप ध्यान करने लग जाए, आज से ही ये मान के चलिए जो प्रभु ने आपको गिफ्ट दी हुई है एकदम निःशुल्क है, ये किसी प्रकार का शुल्क नहीं है इसमें। बस इस श्वासों के माध्यम से उस प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, उस प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। अब कैसे कि किस तरह से करें, अगर किसी देवता का रूप हम उसका सचित्र वर्णन करके करें किसी जैसे, देखिए सीधा सा सवाल इसका उत्तर रहता है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा बहुत अधिक हो, जिसके प्रति आपका भाव इतना कृतज्ञ हो कि प्रभु मैं आपके सामने मेरी धन माया जितना पास मेरे पास है जो सब कुछ आपका, आपके मन में ये भाव प्रकट होता है कि प्रभु मैं तो आपका ही दास हूँ, आप ही हैं मेरे सदाशिव, जो भी माने मैं तो आपके प्रति ऋणी हूँ, आप मेरा भला कर दो, यानी ये भाव प्रकट होता है जिस भी जैसे राम कृष्ण जिसके प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, तो उसी का नाम ले निरंतर, उससे से ही आप कॉन्टेक्ट बनाए रखें। जैसे कि श्री राम है, देखिए राम है तो उसका नाम लेते रहे, मगर यहाँ मैं उस नाम को जोड़ने की बात कर रहा हूँ सांसों के माध्यम में, श्वासों के माध्यम से उस नाम को आप जोड़ लें, उसका नित्य निरंतर ध्यान करते रहें। आप ये जो श्वास मिली है आपको बहुत ही लिमिटेड एडिशन में मिली है, बहुत ही कम मात्रा में मिली हुई है ये, क्योंकि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी को देखिए जन्म के पश्चात मृत्यु आ जाती है, किसी को जन्म के 5 साल बाद मृत्यु आ जाती है, किसके जन्म के बाद ये 60 साल बाद, वो अपने कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से उसको जीवन मिलता है, उतना समय मिलता है, उतनी सांसें मिलती, तो इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इसको आप जपना शुरू करें और आज से ही शुरू करें, क्योंकि ये नाम आदि अनादि नाम है जो आपको मिला हुआ है, जो आपके श्वासों के भीतर है। बस मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, आप समझें कि मैं किस ओर बात कर रहा हूँ। जब आप श्वासों का सुमरण करने लगेंगे तो उसका नाम आपके सामने स्वतः प्रकट होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब भी आप सांस लेते हैं ना, खींचते हैं तक, तो आपको एक सरल भाषा में एकदम शब्द सुनाई देगा सो, और जब सांस छोड़ते ना तब आपको एकदम सरल शब्द सुनाई देगा ह। अंदर जब खींचेंगे सो, और जब बाहर छोड़ते हैं, ये तो हो गया, ये श्वासों की आवाज़ हो गई। अब इस श्वासों में आपको रमण करना है एक तरह से, इसमें आपके आपका मन भ्रम इसी के अंदर, आपको मन को बार बार इसी के अंदर लगाना है, इसको नित्य निरंतर जपना है। अगर आपका विश्वास परम श्री राम में है, महादेव में है, तो उनका नाम जोड़ दीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। मगर जो आदि अनादि नाम है वो है आपकी श्वास से, ये मान के चलिए जो श्वासों में ये गॉड गिफ्टेड है, इसी के माध्यम से आपका अजपा जाप निरंतर चलता रहता है। जब भी आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब आपका जाप नित्य निरंतर चलता है अजपा जाप। इसलिए आप इस नाम को जाने, इस नाम की महिमा को जाने, क्योंकि नाम के द्वारा ही आप उस प्रभु को पा सकते हैं, नाम के द्वारा ही आपका भाव देखा जाएगा उस समय जब आप उस परमपिता परमेश्वर की शरणों में जाएंगे, और कुछ नहीं। प्रेमी भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और भी अच्छे विषय के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।